बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आपका होता है एडसॉर्प्शन, थ्योरेटिकल चैप्टर है। दूसरा टॉपिक एडसॉर्प्शन के बाद कोलोइड्स, बड़ा पार्ट है। कोलोइड में आपने पहले देख लिया क्लासिफिकेशन, कोलोइड कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट पांच क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। अगर थॉमस ग्राहम को इंक्लूड करें तो थॉमस ग्राहम ने कह दिया भाई क्रिस्टलोइड कोलोइड फेल हो गए, बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन आ गया, सेकंड क्लासिफिकेशन आया ट्रू कोलोइडल सस्पेंशन, फिर कोलोइड का क्लासिफिकेशन आ गया कि आठ तरह के कोलोइड होंगे, लायोफिलिक, लायो सॉरी आठ तरह के सॉल्ट जेल इमल्शन, फिर लायोफिलिक लायोफोबिक कोलोइड हो सकते हैं, डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम के इंट्रैक्शन के बेस पे, एंड लास्ट इज पार्टिकल्स के हिसाब से मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। फिर आ गई प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कोलोइड को बना के दिखाओ, कोलोइड कैसे कैसे बन सकते हैं। तो भाई कोलोइड को बनाने के मेन दो मेथड एंड एक डिस्पर्शन। कोलोइड तो एक साइज को कहते हैं, उस साइज तक आना है तो बड़ा पार्टिकल लो, छोटे छोटे तोड़ के वहां तक लिया, या फिर अगर आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं जोड़ दो उस पार्टिकल का लिया, तो एक कंडेंसेशन का मेथड है, डिस्पर्शन का। बेसिकली कंडेंसेशन जो आपके यहाँ का तरीका है वो एक ही है, दैट इज केमिकल मेथड्स। और केमिकल मेथड्स में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्बशन, हाइड्रोलिसिस, चार रिएक्शन है याद। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग कई बार आती है, तो टी ब्लॉक में भी है, क्योंकि कि H2S और SO2 की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर प्लस वाटर, या कई बार AuCl जो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन पूछ लेते हैं तो वहां एग्जाम में याद नहीं आता यार, फॉर्मल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, AuCl3 इनऑर्गेनिक, तो यहां पर्पल ऑफ एसिड एक कोलाइडेड गोल्ड बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और FeCl3 की हाइड्रोलिसिस FeOH2 थ्राइस, एंड लास्ट इज डबल डिकंपोजिशन As2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड ने और H2S से रिएक्शन कर दो तो आर्सेनिक सल्फाइड बन। फिलहाल ये कोलोइड की प्रिपरेशन हो गई, कोलोइड बनाया है, जब बन गया है तो प्यूरिफाई करो भैया। अब प्यूरिफाई कैसे करें, कोलोइड को प्यूरिफाई करने के लिए बेसिकली तीन तरीके बताए गए हैं। वन इज डायलिसिस, वन इज इलेक्ट्रो डायलिसिस। डायलिसिस ही जल्दी होने लगे तो इलेक्ट्रो डायलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में होने लगे इलेक्ट्रो डायलिसिस, एंड वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेसिक कंसेप्ट सबका एक ही है कि भैया एक ऐसी मेम्ब्रेन ले लीजिए जिससे कोलोइडल पार्टिकल छन के ना जाए, इम्प्योरिटीज छन के अलग हो जाए। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जैसे ब्लड है हमारा, तो ब्लड को प्योरिफाई किया जाता है किडनी के द्वारा, एंड वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोसेस बाहर जब हम करते हैं, दैट इज डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, दैट इज किडनी वाले फंक्शन, तो वही डायलिसिस यहाँ है, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड, और उसमें इम्प्योरिटीज जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती है सोल्यूशन में वो अलग करने का तरीका। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, प्रिपरेशन हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया। अब एक तरीके से प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ही बचे हैं चैप्टर में, कोलोइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। भैया प्रॉपर्टीज में अगर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है तो वो है चार्ज, ठीक है। कोलोइड में वैसे तीन तरह की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, एक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, एक लाइट वाली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, और एक काइनेटिक या मूवमेंट वाली है ना, ब्राउनियन मूवमेंट, विंडल इफेक्ट, और एक चार्ज। लेकिन मैं शुरुआत चार्ज से कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें ज्यादा पढ़ना है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स में चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी बेसिकली ये वाली की बात कर रहे हैं, चार्ज। अब कोलोइडल पार्टिकल या कोलोइड्स आपके अगर दिमाग में क्लियर है तो बेसिकली कोलोइड्स क्या है, एक पर्टिकुलर साइज है, हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस मतलब दोनों चीजें आपस में मिसिबल नहीं, जैसे ऑयल और वाटर से बना था मिल्क, लेकिन अगर वैसे तुम ऑयल और वाटर मिलाओ तो मिक्स नहीं होते, लेकिन साबुन डाल दो या डिटर्जेंट डाल दो तो ऑयल और वाटर मिक्स होते दिख जाते हैं, यानी ऑयल वाटर के अंदर आके रिटेन कर सकता है। तो अब ये ऑयल रिटेन कब तक करेगा, इमल्शन कब तक रहेगा, और इमल्शन से डीइमल्सिफिकेशन कैसे हो जाएगा, चार्ज। अगर इसमें चार्ज दे दिया जाए तो ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा, या ये कहें चार्ज की वजह से कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल, ठीक है। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर ये कोई एक कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा, इसमें ये पार्टिकल्स जो हैं जिसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, ये डिस्पर्स फेज है ना, इन डिस्पर्स फेज में कोई एक तरीके का चार्ज आके एब्जॉर्ब होता है, मान लो प्लस आया तो इनमें सब में प्लस आएगा, ठीक है, और
ऑब्वियसली डिस्पर्शन मीडियम में माइनस चार्ज आएगा, डिस्पर्स फेज में प्लस होगा, डिस्पर्शन मीडियम में माइनस होगा। अब कई बच्चे ये कहते हैं यार एक प्लस है एक माइनस है, ये जुड़ के प्रेसिपिटेट क्यों नहीं हो गया या चार्ज खत्म क्यों नहीं हो गया। तो भैया कंसेप्ट सोच के देखिए, ये आयनिक कंपाउंड वाला कंसेप्ट है, एक कॉमन सेंस लगा के देखिए क्या कहना चाहते हैं आपने चार्ज खत्म। बेटा प्रेसिपिटेट होने के लिए ना क्लास 11th में हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कंडीशन होती है, हर चीज की एक लिमिट तक सॉल्युबिलिटी होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और जब वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो केएसपी आता है जिसे केएसपी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं, उससे ज्यादा आयंस हो जाते हैं तो जुड़ के प्रेसिपिटेट होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पानी में थोड़ा सा नमक डाला, अब नमक मैंने भी HCl के बोले दोनों आयन मिल गए प्रेसिपिटेट हो गए, ना अभी प्रेसिपिटेट नहीं है, लेकिन हाँ एक लिमिट तक नमक हो सकता, उसके आगे जब नमक आएगा तो वो प्रेसिपिटेट होगा। सेम यहाँ पे भी है, एक तो सा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है बहुत कम, और इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट में टूट गया कैटायन एनायन, कोई एक पार्ट एडसॉर्ब हो जाता है, सरफेस केमिस्ट्री है बच्चों, एडसॉर्ब हो जाता है कहाँ, ऑन द सर्फेस ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल, ये जो हमारा डिस्पर्स फेज है इसके सर्फेस पे कोई एक चार्ज एडसॉर्ब होता है, इट इज डिपेंड ऑन डिफरेंट कोलोइडल सॉल्यूशन, कभी प्लस चार्ज एडसॉर्ब है और कभी माइनस चार्ज। तो ये चार्ज की कई थ्योरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी थ्योरी या समझ में आने वाली थ्योरी है एडसॉर्प्शन, कि कोलोइडल पार्टिकल अपनी सरफेस पे कोई एक तरीके का चार्ज एडसॉर्ब करा लेते हैं, एंड जनरली ये देखा गया है कॉमन आयन एडसॉर्प्शन इज प्रेफर्ड, कॉमन आयन एडसॉर्प्शन ज्यादा देखा गया। मतलब क्या कहने का है समझना बच्चों, कि अगर मैंने AgNO3 लिया और इसमें KI मिलाया तो ये AgI का सॉल्यूशन बनेगा और KNO3, और शायद आप जानते हो AgCl लाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr लाइट ब्राउन या लाइट येलो होता है, और AgI भी येलो प्रेसिपिटेट है वाटर के अंदर, लेकिन ये AgI डिसॉल्व फॉर्म में हो सकता है, मतलब वो प्रेसिपिटेट ना बने। कैसे, अगर आप सपोज KI एक्सेस में ले लें, सपोज KI आपने एक्सेस में लिया, जरा ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है, जब आपने KI एक्सेस में लिया तो बेटा अभी भी सॉल्यूशन में ये तो बन ही गया और साथ में ये भी, और इन दोनों में AgI और KI में I आयन कॉमन, तो ये देखा गया ये AgI I आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉमन आयन, और एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ कोलोइडल पार्टिकल पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ओवरऑल ये सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो गई होगा, बट ये दोनों इंटरैक्ट करके प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे अब, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल पे आया यहाँ पे माइनस चार्ज और ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। बाय चांस अब तक सोच के देखिए, बाय चांस आपने इस सॉल्यूशन में AgNO3 को लिया होता एक्सिस में, अगर आपने इसे एक्सिस में लिया होता और तब ये सॉल्यूशन बन रहा होता AgI, तो हम इसे ऐसे लिखते और अब हम क्या कहते, AgNO3 और KI ने जब रिएक्शन की तो जितना KI का वो तो सब खत्म हो गया, अब AgI बना हुआ है और साथ में बचा हुआ AgNO3, तो यहां इन दोनों में कॉमन आयन Ag है, तो ये Ag आयन इसके ऊपर आके एडसॉर्ब हो गया, और एडसॉर्ब होने की वजह से Ag आयन के एडसॉर्ब होने की वजह से इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्व आ गया। तो पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है, बेसिकली लायोफोबिक वाले तभी स्टेबल होते हैं जब चार्ज आए, नहीं तो वो स्टेबल ही नहीं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं टकराते हैं आपस में, और ये देखा गया है चार्ज एडसॉर्प्शन की वजह से आता है, कोलाइडल पार्टिकल अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करा लेते हैं चार्ज, कोई एक टाइप का आयन अपने ऊपर एडसॉर्ब करा लेते हैं जिसकी वजह से चार्ज आता है। एक कोलाइडल सॉल्यूशन में एक ही तरीके का चार्ज एब्जॉर्ब होता है सारे कोलाइडल पार्टिकल में, अगर AgNO3 का सॉल्यूशन है सॉरी AgI का सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, और आपको एक AgI के अगर प्लस चार्ज दिखा है, तो जितने AgI होंगे वहां गारंटेड उनके प्लस चार्ज होगा और सॉल्यूशन पे माइनस चार्ज होगा, यानी ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा
लेकिन एक कोलाइडर पार्टिकल पे एक ही तरह का चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर आपको चार्ज तक समझ में आया हो तो वन टाइप करो। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे ने कहा है एक बार एक्सप्लेन एग्जांपल फिर बता दीजिए, शायद इन्होंने और भी कुछ लिखा था वो मुझसे मिस हो गया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ जो भी इन्होंने लिखा था। सॉरी बेटा, व्हाटएवर आपका जो भी क्वेश्चन है, शायद ये प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन होता है वही हो कि भाई एजीआई का सोल्यूशन बना और एजीआई प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन हमने कहा वो प्रेसिपिटेट दोबारा डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में चला गया, तो क्या यहाँ जरूरी है एजीआई ही एब्जॉर्ब होगा, आई होगा? नहीं, कोई भी आयन एब्जॉर्ब हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। और कॉमन सेंस की बात है, क्या हम गोल्ड का कोलाइडर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कहीं से गोल्ड लाके थोड़ी उसके ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो एब्जॉर्प्शन में मैंने कहा प्रेफरेंशियली बाय कॉमन आ रहे हैं, अदरवाइज कंडीशन है भाई, आप पहले एक हेडिंग पढ़ चुके हो ना एब्जॉर्प्शन, बेटा आपने जो एब्जॉर्प्शन हेडिंग पढ़ी उसमें क्या पढ़ा कि एक एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्बेड होता है, एब्जॉर्बेड एब्जॉर्बेंट पे आके रुक जाता है, यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ जो कोलाइडर पार्टिकल है वो एब्जॉर्बेंट है और जो भी चार्ज आके ये अपने ऊपर रोक रहा है वो एक तरीके से एब्जॉर्बेड है। और मैं बार बार कह रहा हूँ चार्ज, अरे हकीकत में चार्ज का मतलब आएगा तो कोई आयन ही, या कोई अकेला इलेक्ट्रॉन थोड़ी अभी, या चलो इलेक्ट्रॉन तो फिर भी आप कह सकते हैं, बट अकेला कोई प्रोटॉन तो आएगा नहीं एब्जॉर्ब होने, तो कोई ना कोई चार्ज एब्जॉर्ब होने मतलब आयन आके एब्जॉर्ब होता है। तो बेसिकली यहाँ कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे एब्जॉर्प्शन, जो आपने इससे पहले हेडिंग पढ़ी थी ना, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और एब्जॉर्प्शन के अपने अपने फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट सब पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बेटा कोई वेरी टू टू कंडीशन नहीं कि यही चार्ज आएगा या वही आएगा। हाँ, मोस्टली ये देखा गया है कि मेटल सॉल्ट शायद नेगेटिव सॉल्ट होते हैं, या किसी ब्लड हमारा पॉजिटिव सॉल्ट है, ब्लड में ना दो पार्ट है, एक हीम और एक ग्लोबिन, तो दोनों ही कोलोइडल में आते हैं, दोनों में अलग अलग चार्ज है, ग्लोबिन एक प्रोटीनिशियस है तो शायद नेगेटिव है, हीम मेटल का है, आयरन पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, उस पोटेंशियल का नाम रखता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं, और भी कई नाम है इसके, देखना पड़ेंगे, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकाइनेटिक है और एक वर्ड है जीटा पोटेंशियल, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है, अभी देख लेता हूँ। तो व्हाट इज दिस वर्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल स्टैंड फॉर, या जीटा पोटेंशियल का मतलब ये है कोलाइडल पार्टिकल, इसकी सरफेस पे ये चार्ज एब्जॉर्ब है नेगेटिव सपोज, ठीक है, और इसके बाद जो पूरा सॉल्यूशन था ये, इस सॉल्यूशन में जो बह रहा है, जो कौन है सॉल्वेंट, डिस्पर्शन मीडियम, इस मीडियम में कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज यहां भी आएगा। तो इन्होंने एक वर्ड दे दिया, क्या वर्ड दिया है कि कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पर एन इलेक्ट्रिक डबल लेयर इज फॉर्म, कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे एक डबल लेयर बन जाती है जिसमें पहली लेयर आपकी फिक्स होती है, वो एब्जॉर्ब रहती है, और ये दूसरी लेयर जिसे हम घुमंतु या मोबाइल लेयर कहते हैं, घुमंतु कहने का मतलब घूमती रहती है, तो ये वाली फिक्सन्तु लेयर है, फिक्स रहती है तो फिक्सन्तु लेयर है, ये घूमती रहती है तो घुमंतु लेयर है। फर्स्ट लेयर इज फिक्स वाइल सेकेंड लेयर इज मोबाइल, तो एक लेयर फिक्स है और एक लेयर मोबाइल लेयर। फिर से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है, आउट ऑफ विच फर्स्ट लेयर इज फिक्स एंड सेकेंड लेयर इज मोबाइल, पहली लेयर एब्जॉर्ब होने की वजह से आई है और दूसरी लेयर मोबाइल। और एनसीईआरटी में, या सॉरी एनसीईआरटी में एक जनरल पॉइंट ये कहा जाता है कि दोनों लेयर में अपोजिट चार्जेस हैं, एक में प्लस एक में माइनस, जबकि इसी के नीचे ये लिखा है मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से फिक्स लेयर में एक ही चार्ज है लेकिन मोबाइल लेयर में दोनों चार्ज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि AgNO3 का सॉल्यूशन है और AiExc में डाला है तो सारा आयोडाइड इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा, सारा नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन में भी होगा। तो याद यहाँ तीन चार वर्ड पर फोकस करना है, उन्हीं को जरा बार बार की वर्ड से फोकस करो। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, ऑब्वियसली इसका रिलेशन जीटा पोटेंशियल का इलेक्ट्रोकाइनेटिक का इससे है, टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, जैसे हम
इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो इसका मूवमेंट कैथोड एनोड की तरफ होगा और वो जिस पोटेंशियल की वजह से होगा वही एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जीटा पोटेंशियल होगा। बट एग्जाम में क्या लिखना है क्या है उसे समझिए। कोलाइडल पार्टिकल ठीक है जिसको हम सॉल्यूट भी कह सकते हैं जिसका एक पर्टिकुलर साइज है उस कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है। पहला वर्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है जिसमें से एक लेयर उसके ऊपर फिक्स रहती है हटती नहीं दूसरी लेयर मोबाइल है आगे पीछे हो सकती है। तो एक फिक्स लेयर है एक मोबाइल लेयर है दोनों में चार्जेस अपोजिट हैं। जबकि मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से मोबाइल लेयर में दोनों तरीके के चार्जेस है मतलब प्लस माइनस दोनों होंगे लेकिन फिक्स लेयर में एक ही तरीके का चार्ज होगा एडजॉर्प्शन एक ही तरीके के पार्टिकल का क्योंकि ये दो अपोजिट चार्जेस हैं और इनमें दो अपोजिट चार्जेस होने की वजह से एक पावर या एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है और जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल या एक और नाम है जीटा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ड्यू टू टू अपोजिट लेयर्स और इलेक्ट्रिक डबल लेयर वन इज प्लस एंड माइनस और टू अपोजिट लेयर वन इज फिक्स एंड अदर इज मोबाइल this potential is called as electrokinetic potential or theta potential. On application of electrodes or electricity, movement of this colloidal particle takes place towards any electrode due to this electrokinetic or theta potential. इस theta potential से हम निकाल सकते हैं। आपको ये वाला point जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ electrokinetic और theta, जब हम ये ध्यान है, इन्होंने ABC वालों ने या बाकी books ने competition file में दिया है। बट इट हैज नो मतलब इतना कोई खास हमें डिटेल नहीं करनी कि कॉम्पिटिशन में इसका कोई स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर पहली लेयर फिक्स दूसरी मोबाइल फिक्स लेयर में एक ही चार्ज मोबाइल लेयर में दोनों तरह के चार्ज एंड द पोटेंशियल डेवलप इज नोन एज जीटा पोटेंशियल जेड ई टी ए जीटा पोटेंशियल। ठीक है चलिए बच्चों एक बार मैं इसको साथ साथ में चेक भी कर लेता हूँ आपके लिए और ये रहा हमारा पेप्टाइजेशन के बाद प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन कल हमने देख लिया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ तो हो गया प्रॉपर्टीज। देखो भैया इसमें इन्होंने आसान से शुरू किया है पहले हेडिंग डाली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कल आपको बता दिया था वैसे याद अगर आ गया क्या कि कोलोइडल पार्टिकल की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू सॉल्यूशन से कम होती है इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कम होती है कोलोइडल पार्टिकल का साइज ज्यादा है एग्रीगेट हो जाते हैं बस इतना है। कोलोइडल पार्टिकल आर बिगर एग्रीगेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू ट्रू सॉल्यूशन हेंस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिस आर स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर्ड टू ट्रू सॉल्यूशन। तो भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले कम है। एक इन्होंने हेडिंग दे रखी है टिंडल इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक है तो अभी मैं दो मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ टिंडल इफेक्ट को बेटा। फिर इन्होंने कलर दे रखा है वो सब टिंडल इफेक्ट की देन है वैसे तो ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात कर रहे थे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल ये हेडिंग हमारी थी चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चलो आई मीन टू से अगर गलत बात है ऑलवेज नहीं कहना चाहिए एनसीईआरटी को लायोफिलिक में जैसे चार्ज नहीं होता या लायोफिलिक में कंपलसरी नहीं होता चार्ज लायोफोबिक में होता है द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑल द कोलाइडल पार्टिकल इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो आपको शायद समझ में आ गया हो नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम इन ऑल द कोलाइडल पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सॉल्यूशन में एक ही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज होगा चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। अब ये इन्होंने जैसे ये एक टेबल बना रखी है अगर आप याद कर पाए अच्छी बात है क्या क्या कि मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव होता है ऐसे ही मेटल सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है
जैसे आर्सेनिक का सल्फाइड है तो ये नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही इन्होंने कहा है जितने हमारे स्टार्च गम जिलेटिन चारकोल इन पे भी नेगेटिव चार्ज है और जो हमारे डाइज है उन पे भी नेगेटिव है। तो बहुत सारी चीज जो भी नेगेटिव है। अब भैया पॉजिटिव कौन है? मेटल सल्फाइड नेगेटिव थे, मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव है, जितने भी ये ऑक्साइड है ये पॉजिटिव है, एसिडिक डाई नेगेटिव थी तो बेसिक पॉजिटिव है। और हीमोग्लोबिन को देखो, मैंने कहा था आपको ब्लड में दो पार्ट है, हीमो और एक ग्लोबिन। हीमो मेटल वाला पार्ट है भले, लेकिन हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट पे आ रहा है प्लस, प्योर मेटल पे होता है माइनस चार्ज, ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन पे प्लस है। यार ये मतलब रेक्टिफिकेशन है मेरा टेंथ का, मतलब आप इस पे याद करने के अलावा कोई और बहुत बढ़िया चारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये एक दो बच्चों ने जो मुझसे क्वेश्चन किया था तो मेरे को ध्यान आ गया, एनसीईआरटी में ये लिखा है, ठीक है। द चार्ज ऑन द सॉल पार्टिकल ड्यू टू वन और मोर रीजन, चार्ज आने के कई रीजन है। एक है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जैसे मैंने कहा था ना चार्ज कुछ भी थोड़ी घूम रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। या फिर यहां देखिए अगला, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ड्यू टू प्रेफरेंशियल कोई एक आयन प्रेफर करके एब्जॉर्ब हो गया एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल हो गया। तो ये वाली जो बात है जे मैं कह रहा था, जे मैं कह रहा था, जे कौन सी बन रही है? इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। देखिए अगला पॉइंट भी एक बार पढ़ लेता हूं, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड रीजन है। द सॉल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन व्हेन टू और मोर आयंस प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम। देखो बेटा, जब दो या दो से ज्यादा आयन हो तो कॉमन आयन जो है उसका एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन कॉमन, जो भी आयन इनमें कॉमन है उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड, वही वाला एग्जाम्पल है ना, Ai और AgNO3। अब आप यहां ध्यान से देखिए तो यहां लिखा था प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब आयोडाइड आयन, अगर उसने आयोडाइड किया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अगर उसने सिल्वर एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कॉमन आयन एब्जॉर्प्शन की वजह से चार्ज आ जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ बेटा देखिए चार्ज में उन्होंने और दो पॉइंट दिए हैं, एक है FeCl3 में एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करें तो पॉजिटिवली चार्ज FeOH होल्ड्राइज आ जाता है, ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन आयन। तो FeOH होल्ड्राइज में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, आयरन आयन एब्जॉर्ब, इसी में नेगेटिव चार्ज भी आ जा सकता है जब OH आयन एब्जॉर्ब होंगे, अगर OH आयन एब्जॉर्ब हुए तो नेगेटिव, H आयन एब्जॉर्ब हुए तो पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये हो गया चार्ज की बात। बच्चों क्या आपको यहां तक अगर चार्ज समझ में आया है तो जरा टू टाइप करो कि आपको जो यहां तक मैंने अभी कलर्ड भी कर रखा है चार्ज के बारे में, संजना रोग, ओके, प्रथम आदित्य, पलाक्ष, ओके, ऋषि, जैन, यशिश, ठीक है। ये भी देख रहा हूँ साथ साथ में कौन रेगुलर क्लास में आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड आदित्य, विदई, वेरी नाइस, बहुत दिनों बाद दिखे हैं एक दो बच्चे आज, विदई बहुत दिनों बाद लग रहा है, उनके आंसर आए हैं, वेरी गुड। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कर रहे थे। हाँ एक पॉइंट और था, कल मॉर्निंग में 10 बजे क्लास रखूंगा कॉम्पिटिशन वाली, ठीक है, और इस बार ही मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे का थोड़ा सा मेरा शेड्यूल चेंज होगा, तो फिर शेड्यूल चेंज होगा, बीच में बता दे रहा हूँ बाद में भूल ना जाऊं, ठीक है। इस बार कमिंग
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन तीन दिन क्या आपको नाइट का 8 to 9 PM टाइम सूट करेगा? ये सूट करेगा तो बताइए, और अगर ये नहीं करेगा तो फिर और डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये नहीं करेगा तो फिर हम 12 to 1, 1 to 2 ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा 3 to 4 एक जगह क्लास लग गया है इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसलिए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में क्या आपको 8 to 9 सही रहेगा इवनिंग? बेटा मॉर्निंग में ना सबके स्कूल होते हैं, इसलिए डिस्कस करना बेकार है, मॉर्निंग में सभी ये सब प्रॉब्लम करेंगे। तो 8 to 9 का ही बताइए, और तो मेरे को लगता नहीं, 12 to 1 या 8 to 9, ठीक है? मेरे को, अरे यार आदित्य कह रहे हैं 8 to 9, ध्रुव कह रहे हैं 12 to 1, ठीक है, पलाक्षी 8 to 9, 8 to 9, अधिकतर बच्चों ने 8 to 9 कहा है, बस एक ध्रुव और एक और विजय ही, 2-3 बच्चों ने कह दिया है 12 to 1, आर्यन ऑल्सो। चलिए ऑब्वियसली इनमें से कोई एक टाइम पे बैच लग जाएगा, सिर्फ 3 दिन की बात है, तो वो 3 दिन बाकी लोग रिकॉर्डिंग से काम चला देना, जस्ट फॉर 3 days का है, और मैं छुट्टी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए टाइम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? और कॉम्पिटिशन का कल मॉर्निंग में, दैट इज संडे मॉर्निंग में हम लगाना चाह रहे हैं, संडे मॉर्निंग, इसमें तो स्कूल का कोई शायद पंगा ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो स्कूल का पंगा नहीं होगा तो इसका मैंने सोचा है 10 AM, इट इज कम्फर्टेबल टाइमिंग, ठीक है, 10 to 11, 11:30 जो भी हो पाएगा हमसे, ठीक है, AM, ठीक है, आई होप सो। इसमें शायद इंटरव्यू तक हो, और थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे क्योंकि पिछले 2 टर्न नहीं हुए हैं, इसलिए मैं एक साथ 2 टर्न का काम कराने की कोशिश करूंगा। कल मीजोमेरिक इफेक्ट को ही शायद होना है इसमें, लेट्स सी, उसमें एक बैच में देखेंगे। तो बच्चों जिस जिसको कॉम्पिटिशन बैच में जो आ रहा है और ऑर्गेनिक फिजिक्स की नीट है, वो आ जाइएगा कल मॉर्निंग 10 AM, ठीक है? वो और उसी में हम फिर बाकी डिस्कशन कर लेंगे। अब आ जाते हैं लॉट के चार्ज पे। तो हम चार्ज पे कहाँ तक आ चुके थे, अगर आपको याद हो कि ये चार्ज कौन सा आता है, और ये लिखा है एक वर्ड जिसका नाम लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सीटा पोटेंशियल, ठीक है? तो आपको ये याद आ गया होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेलमोंट्स इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इसे हेलमोंट्स इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं, कोई गिब्स हेलमोंट वाले हेलमोंट भाई साहब है, इसे हेलमोंट्स इलेक्ट्रिक डबल लेयर कह दीजिए, ठीक है? या सिंपल भाषा में यहां जो पोटेंशियल आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थीटा पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू। देखो बेटा, अब यहां पे एनसीईआरटी ने साफ लिखा मॉडर्न व्यू, द फर्स्ट लेयर जो पहली लेयर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू द फर्स्ट लेयर इज फर्मली held and is termed as fixed layer, while the second layer is termed as diffused layer. First layer fixed hai aur second layer diffused hai. Since separation of charges is a seat of potential, agar kabhi charges mein separation hota hai, potential aa jata hai, the charges of opposite sign on the fixed and diffused parts of the double layer results in a difference in potential between these layers. This potential difference between fixed and diffused layer of opposite charges is called electrokinetic or zeta potential. ठीक है, बेटा आपको ये याद रखना है, ये वाला potential क्या कहला रहा है? Electrokinetic or zeta potential. ठीक, next paragraph में साफ है, the presence of equal and similar charges on collider particle is largely responsible for providing stability of collider solution because of the repulsive forces between charged particles having same charges prevent them from, वैसे collapsing word होना चाहिए और जो भी है collapsing or aggregating when they come closer to one another, मतलब ये charged particle इन्हें दूर दूर रखते हैं भैया, जिसकी वजह से ये stable. Now, the next word is
अपने आगे पढ़ ही लिया होगा आई होप सो। फिर यहाँ पे दो तीन टर्म है चार्जेस से रिलेटेड, जैसे एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और एक हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो कई बार क्वेश्चन आता है प्यूरिफिकेशन में कौन सा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑस्मोसिस या डायलिसिस, तीनों में इलेक्ट्रो लगा है, तो डायलिसिस या इलेक्ट्रो डायलिसिस प्यूरिफिकेशन का है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का एक है। तो अब ये वर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक स्पेशल टेक्निक है बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये वाला वर्ड आप याद रखिए पी, और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब इसको तो याद रखना आसान है, जिन बच्चों ने सॉल्यूशन चैप्टर सही से पढ़ा उन्हें याद है। ऑस्मोसिस में बेटा कौन जाता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, डेफिनेटली सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल जाते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, तो यहाँ डिस्पर्शन मीडियम मूव करता है और यहाँ पे डिस्पर्स फेज मूव करती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेसिकली यू शेप ग्लास ट्यूब है, एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें हम जैसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं सिर्फ डिस्पर्स फेज जाता है अपने से अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे, सिर्फ डिस्पर्स फेज जाता है। डेफिनेशन बन गई द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब डिस्पर्स फेज का मूवमेंट होगा बेटा, किसका मूवमेंट हो रहा है, डिस्पर्स फेज का किधर हो रहा है, तो टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली वेरी गुड। तो डिस्पर्स फेज यानी आप कह सकते हैं सॉल्यूट, या आप कह सकते हैं यहां पे तो सॉल्यूट ही वर्ड कहलाएगा। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा यू शेप ग्लास ट्यूब होगी, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे डिस्पर्स फेज उल्टी चार्ज की तरफ चली जाएगी, वहां जाके न्यूट्रलाइज होगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलोइड पार्टिकल का चार्ज कौन सा है उसे पहचानने के लिए, तो ये जो टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस उससे हमें पता लगता है कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज कौन सा है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके करते हैं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कर देता है, कोलाइडल पार्टिकल जोड़ देता है। तो दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक मिनट जरा सा इसमें एनसीईआरटी में भी नजर मार लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रहे थे, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रोफोरेसिस, द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज कंफर्मड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यही मैं आपसे पहले कहना चाह रहा था कि यहाँ पे द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, मतलब प्लस है माइनस है कौन सा, ये कंफर्म होगा व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिपिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। जरा ध्यान देना यहां से, द कोलाइड पार्टिकल, द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। The movement of colloidal particle under applied electric field is called, that is called electric potential, under applied electric potential is called electrophoresis. Positively charged particle move towards cathode, negatively charged particle move towards anode. अगर positive particle होगा बेटा cathode पे जाएगा, negative होगा तो anode। ये रहा आपका electrophoresis का diagram। ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपको दिख जाए ना, वैसे तो थोड़ा डिफरेंस है, वैसे समझ में आना चाहिए कि ये जो कोलोइडल पार्टिकल है इनमें नेगेटिव है, पर ये वाटर है इनिशियल लेवल ऐसा दे रखा है, और जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी चार्जेस देते हैं तो ये मूवमेंट होने लगता है। ये मूवमेंट क्या हुआ, ये पार्टिकल यहाँ आके इकट्ठे हो गए, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से दिखा रखा है। व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल is prevented by some suitable means, it is observed that dispersion medium begin to move and this phenomena is called electroosmosis. तो भैया अगर electrophoresis की जगह electroosmosis आया है वही चीज, बस अब dispersion medium जाने लगेगा। और इसीलिए मैंने कहा याद रखने का तरीका है osmosis में dispersion medium या solvent जाता है, foresis में इसका उल्टा डिस्पर्स फेज या सॉल्यूट जाता है। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो
कोलोइडल पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स फेज वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। तो सिंपल डेफिनेशन आ गई, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड ऑब्वियसली आपने कोई मेम्ब्रेन लगा दी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसी, तो जो मेथड होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक ऑस्मोसिस। बोलो बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्लियर है? हाँ, एक बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है, ये पढ़ जो रहे यार, ये तो बता दो एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का। ये नीचे दिखता है बेटा, यहाँ ये रहा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, चार्ज पता लग जाता है, जब चार्ज पता लग जाता है तो प्रेसिपिटेट करना चाहे प्रेसिपिटेट कर ले, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स हर जगह यूजफुल थोड़ी, हार्मफुल भी, और हम चाहते उन्हें प्रेसिपिटेट करना, जैसे डस्ट है एयर के अंदर, डस्ट है हमें मालूम है ये कोलाइड है, और हमें अगर उसका चार्ज पता लग गया हम उसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, अपोजिट चार्ज की एप्लीकेशंस जो अगली हेडिंग है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है उसमें अगर हमें पता है यार इसमें चार्ज कौन सा है और हमें मालूम है सॉल्युबिलिटीज भी है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस करके थोड़ा बहुत अमाउंट में डिजॉल्व इम्प्योरिटीज भी अलग हो सकती है, तो वही एप्लीकेशन है और कुछ खास तो प्रेसिपिटेशन में काम में आएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर? गुड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका जो अभी एक वर्ड एक बच्चे ने बोला, दैट इज फॉगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ये हेडिंग है अभी कि कोलोइडल पार्टिकल कैसे फॉगुलेट या प्रेसिपिटेट होते हैं। बेटा बस यही एक तरीके से फॉगुलेशन और प्रेसिपिटेशन हेडिंग चल रही है। ठीक है, हार्डी शूट्स रूल इसमें है। ठीक है, तो ये फॉगुलेशन एंड देन ऑलमोस्ट फिनिश है ये चैप्टर, इमल्शन के बाद ये फिनिश है। यूजर्स ही यूजर्स हैं, सारे यूजर्स हैं, यूजर्स बहुत। एक दिन का और चैप्टर बचा है इसका, मतलब फॉगुलेशन के बाद बड़ा चैप्टर है यार, थ्योरी बहुत बहुत थ्योरी है इसमें, मतलब कोलोइड के पहले पांच क्लासिफिकेशन ही निपटा, फिर आप प्रिपरेशन करो, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन करो, अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में भी चार्ज वाली प्रॉपर्टी ने जान ले रखी है, चार्ज ही ने खत्म होने पे आता, पहले चार्ज आया कैसे, एडजॉर्ब हो क्या है, अब चार्ज से फायदे क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई कि पोटेंशियल डेवलप हो गया, जीटा पोटेंशियल का कि कैथोड एनोड की तरफ जो मूव करता है उसी पोटेंशियल की वजह से करता है, अब ये जब पता लग गया पोटेंशियल है ये मूवमेंट कर सकता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हेडिंग बना दी कि खाली डिस्पर्स फेज मूव करेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, खाली डिस्पर्शन मीडियम मूव करेगा तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, अब कोलाइडल पार्टिकल को हमें प्रेसिपिटेट करना है। ठीक है, हाँ, एक आध बच्चे ने एक और पॉइंट लिखा है, सर इस चैप्टर में तो कैटलिस्ट भी है, भैया हुआ क्या ना लास्ट ईयर कैटलिस्ट इन्होंने कोर्स से हटा दिया था, तो मैंने इस साल कोशिश ये की है स्टार्टिंग से वो चीजें थोड़ी लाइट मोड में रखी हैं जो लास्ट ईयर कोर्स से हटाई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिचुएशन लास्ट ईयर वाली चल रही है। जैसे आपको याद हो ना पिछले चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेशली पिछले से पिछले में मैंने थ्योरी वाली हेडिंग की टाइप्स ऑफ सेल याद करने वाला था, निकल कैडमियम बैटरी, कॉपर जिंक बैटरी, डेनियल सेल, ये सब, या लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, तो मैंने इसको प्रॉपरली आपको नोट्स दे दिए हैं, लेकिन मैंने इनको डिस्कस नहीं किया, क्यों, फिर कटेगा इस साल मुझे मालूम है, ये हटना ही, और कॉम्पिटिशन में भले ही आ गया था वो, एंड फॉलोड बाई कॉम्पिटिशन में आ गया था, ये मैं आपको पहले बता दूं, इन्होंने पहले प्रैक्टिस मतलब पहले प्रॉमिस किया था कि जो भी हम पोर्शन कट कर रहे हैं 12th के बोर्ड से वो कॉम्पिटिशन में नहीं जाएंगे, लेकिन वो बाद में कॉम्पिटिशन वो IIT का तो चार बारी कर दिया, ठीक है, अभी भी दो अटेम्प्ट बचे हैं उनके, तो उन्होंने सारे क्वेश्चन मतलब ये नहीं देखा कि ये चैप्टर हटा था या चैप्टर का ये पोर्शन हटा था तो इससे क्वेश्चन नहीं देंगे, सबसे क्वेश्चन दिया था, तो कॉम्पिटिशन में उन्होंने NTA ने ज्यादा पंगा नहीं किया, सारे क्वेश्चन बने थे, तो आप याद रखना। हाँ, तो बेटा इस चैप्टर में कैटलिस्ट है, डेफिनेटली है, और एक ओवरव्यू तो मैं आपको कैटलिस्ट का दूंगा, नोट्स भी दूंगा, बट ऑब्वियसली कैटलिस्ट इस साल भी कटेगा मुझे, ठीक है। चलिए बच्चों आज इतना ही रखेंगे, ओके, कल मॉर्निंग में मुलाकात होगी आपसे ऑलमोस्ट 10 बजे, ठीक है, 10 o'clock कल मॉर्निंग में मिलते हैं।